हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं कोचिंग अटेंड कर रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की। और यहाँ पर बस बैठी हुई थी, कोचिंग ऑन थी, मेरे कान में लीड लगी हुई है, मैं सुन रही हूँ। और मैंने बस कैमरा ऑन कर लिया था कि मैं ओनली थोड़ा शूट भी कर लेती हूँ। क्लास चल रही है, 2 घंटे की क्लास रहती है हमारी। और जो भी है नोट्स वगैरह मैं करती जाती हूँ ना, पॉइंट पॉइंट मैं लिखते जाती हूँ जो जो भी इम्पॉर्टेंट रहता है वो। तो श्रेया लोग तो जा चुकी हैं, बस हम भी चले जाएंगे। और यहाँ पर हमको ये लेने आई हुई है चलो शुभिका, हमको लेने आई थी कि मौसी चलो। तो मैंने बोला ऊपर ना आ जाए क्योंकि फिर धोखा हो जाता है ना, इसलिए बच्चे गिर जाते हैं, उनको थोड़ी ना अनुभव हो कि कहाँ साइड में नहीं चलना है ये वो। तो मैं जल्दी से आ गई, कोचिंग मेरी अभी चल रही है पर बस ओवर होने वाली है कुछ देर बाद। मैं ओवर जब हो जाती है तभी जाती हूँ कोचिंग से। तो बस मैं नीचे ही उतर रही थी और अब हम जाएंगे मम्मी के यहाँ। और हम बस उस दिन ना मम्मी थी नहीं घर पर, इसलिए हम सरिता के यहाँ आ गए थे। और अब हम सरिता के यहाँ से चले जाएंगे। श्रेया जा चुकी है और बैग वैग भी चला गया है हमारा, बस हम रह गए हैं यहाँ पर। तो जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स मम्मी के यहाँ आ गए हैं हम। और श्रेया ना हमसे पहले आ गई थी, हमारी कोचिंग चल रही थी तो हम वहाँ पर छत पर बैठे हुए थे, तो श्रेया पहले आ गई। श्रेयांश और श्रेया पहले आ गए, हम, शुभिका और शुभिका की मम्मी अभी आए हैं। तो शुभिका अंदर खेल रही है, हम यहाँ पे हैं। और यहाँ पर जो वो बिल्ली का बच्चा है जिनुआ, अरे 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 ये है, ये देखो श्रेया ने मेरी गोदी में फेंक दिया इसको, ये देखो जिनुआ हाय कर लो सबसे, ये नींद में है क्या? हाय कर लो, हाय हाय हाय, नींद में है अभी, वो सो रहा था ना इसलिए। ये देखो हाय। तो मैंने नहा लिया क्योंकि मैं वहाँ पर नहा के नहीं आई थी, मेरा बैग ही चला गया था। तो नहा के मैं बस एडिटिंग कर रही थी यहाँ पर साइड में बैठकर, क्योंकि एडिटिंग करते समय बिल्कुल शांत चाहिए मुझे कि कोई भी शोर ना करे, नहीं तो बैकग्राउंड में मेरी वॉइस के अलावा और भी वॉइस आ जाएगी, इसलिए तो मैं चुपचाप से यहीं पर बैठकर एडिटिंग कर रही थी। एडिटिंग मेरी हो गई थी तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया था कि चलो अब दूसरी वीडियो की तैयारी हो जाए, यानी शूट कर लेती हूँ। और बस मेरा यही चल रहा है, मैं चली जाऊंगी, जिस काम से आई थी वो मेरा हो गया है। और आज मैंने बीच से मांग निकाल कर ऐसी ही कंग, ये देख ये शो के उठा है, इसका मॉर्निंग हो गया है 2 बजे मॉर्निंग। क्यों 2 बजे मॉर्निंग तुम्हारा? इसका नाम लिखवाना है, ये ना स्कूल पढ़ने जाएगा इस बार, इसका एडमिशन करवाना है ना? क्यों घोटू भी शो के उठ गया है? घोटू 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 घोटू। फिर मैं थोड़ा सा आई थी बाहर श्रेया के लिए ड्रेस लेने के लिए, तो मुझे पसंद नहीं आई इसलिए हम नहीं लिए। और उसके बाद यहाँ पर पानी पूरी खा रही थी तो मैंने एक चेक किया, मुझे ठीक लगी तो मैंने अपने लिए भी बनवा लिया कि चाचा मुझे भी बना दीजिए। पर एक पानी पूरी खाते हुए मुझे इतनी ज़ोर से खांसी आने लगी, क्योंकि वो फुल्की ना बहुत तीखी थी और मिर्च थी उसमें सूखी, तो ऐसा भी खाना किस काम का कि बिल्कुल अजीब ही लग रहा था मुझे। एक ही चाचा ने वाली सूखी मिर्ची मिलाया ना, वो पहले भी तो डाले थे, देखो आंसू निकल आए। ये खा गई मेरे हिस्से की। एक ही खाने में, अब आप लोग बोलोगे कि सुहाना ये भी नहीं खा पाती है,
आंसू निकल गए एक ही में। उसमें ना सूखी मिर्च थी इसलिए। चाचा मैं मिर्च खा लेती हूँ पर ना पता नहीं क्यों मुझे शूट नहीं हुई वाली पानी पूरी। मैं आई थी अपने काम से यहाँ पर ये पानी पूरी वाले भैया, पानी पूरी वाले चाचा हैं तो आंसू आ गए और इसका खाए पड़ी है। तो चलो नाना दिलवाए पियो पियो पियो। इतना सारा सामान लेके गई हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना इस शॉप में पापा दिख गए थे हमारे। तो आप लोगों को पता है इतनी गर्मी बहुत हो रही थी और ना धूप का समय था और करीब दोपहर का 3-4 बज रहा था तो मुझे ना अजीब सा लग रहा था। और आपने देखा कि मैंने पानी पूरी भी नहीं खाई तो यहाँ पर ना मैंने एप्पी फिज ली हुई थी और वही मैंने पी और श्रेया भी यहीं पर मिल गई थी। फ्रेंड्स शाम का समय है और मैं बैठी हुई थी यहाँ पर चाय पी रही हूँ ब्लैक टी। सर में दर्द हो रहा है मेरे और जिस काम से मैं आई थी वो काम मेरा हो गया है और बस मैं चली जाऊँगी। अब मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आई थी तो मैं चली जाऊंगी कल। कड़े भी चाय कितना ज़्यादा चाय पत्ती डाल देती हैं मम्मी। चाय में चाय पत्ती की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, कड़क नहीं बनती है, कड़वी चाय बन जाती है। क्या लेकर आ गए भैया? कप इतना अच्छा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। चाय कड़वी है पर पीना पड़ेगा। मुझे नहीं दिखाना रुचि, कमेंट से लिखूंगे नहीं थे। कैसी लगी? और वीडियो बना मुझसे कह रही थी कि पापा ये वीडियो बना रही है और देखो मुझको मत लेना और मैंने तो ले लिया। और यहाँ पर घोटू है बिल्ली, पापा की आदत है और सुबह शाम का नियम है कि बिल्लियों को दूध आता है तो वही बिल्ली पी रही थी। कई बार आप लोगों को वीडियो पर मैं बता चुकी हूँ तो बिल्लियाँ पी रही थी दूध और यहीं पर सुबह का भी खेल रही थी। और बस शाम का समय गर्मियों के टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर श्रेया की फ्रेंड से वीडियो कॉलिंग श्रेया की हो रही थी, श्रेया की एक फ्रेंड है तो उससे ही बात हो रही थी। मैं देख रही थी कि कौन है तो श्रेया बात कर रही थी। श्रेया बोलती मम्मी टाइम पास नहीं हो रहा है इसलिए बहुत दिनों बाद अपनी फ्रेंड को कॉल लगाया, तो यहीं पर बात हो रही थी उसकी फ्रेंड से उसकी। और बस हम बाहर निकल गए थोड़ा सा, बहुत अच्छा लग रहा था शाम के टाइम। कट गया उसी में टाइम पास हो रहा था, वो भी नहीं हो पा रहा। कैसा लग रहा है नानी के यहाँ के कल मोमोज खाकर कैसा लग रहा था? कल चलो घर मार। बहुत बहुत रोने वाली अनुभूति हो रही है। अनुभूति अच्छा, ये बताओ कल मोमोज खा के कैसा लगा था ये बताओ। बहुत अच्छा, दो चले भी गए थे। घोटू आ तुम्हें भी गोदी में आना है, इसकी पैंटी तो गिली नहीं है तो मैं गोदी में उठाऊं इसको। नहीं अच्छा गोदी में दो उठा के दो। अरे हाँ चलो इसको भी गोदी में ले लिया, ये नीचे से चिपक रही थी तो हमने बोला चल गोटू को भी गोदी में ले लेते हैं, है ना गोटू? हाँ अरे आशीर्वाद नहीं, वो पटाई कर देगी मेरी। देखो श्रेया
पीछे मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। हाँ खिलना मत, खिलना मत, खिलना मत, खिलना मत। अरे 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 हम घर जाएंगे भाई, हैं गिर जाएंगे हम, गिर जाएंगे हम, गिर जाएंगे हम, गिर जाएंगे। चलो लो श्रेया गोदी पकड़ना इसको, नीचे उतार दो। नहीं उतरना, नहीं उतरना, नहीं उतरना, उतर छोड़ दे, अच्छा छोड़ दे, नहीं उतर रही वो, नहीं उतर रही, नहीं उतर। देखो कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा? कौन बुला रहा है? देखो वो सनी मामा बुला रहा है, ले पकड़ो पकड़ो जल्दी देखो। अरे जाओ, वो सनी मामा बुला रहा है, पार्टी में जा रहा है। और अब चलते हैं मम्मी को देखने कि मम्मी क्या कर रही हैं। बहुत देर से मम्मी को ढूंढ रही थी, पर मम्मी तो पीछे कलाकारियां कर रही थी। ये देखो मम्मी की यहाँ पर पौधे लग रहे हैं गमले में, मम्मी को पेड़ पौधे से बड़ा प्रेम है, तो यहाँ पर मैं मम्मी से आ गई बात करने के लिए। मम्मी पौधा लगा रही हो? पौधा मीठी नीम का पौधा, ये देखो मम्मी यहाँ पर बैठ के मम्मी के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये देखो यहाँ से। मम्मी राधे राधे कह दो सबसे, राधे राधे, राधे राधे, मेरी तरफ से नमस्कार, मेरी तरफ से नमस्कार सबको। मम्मी बैठी हुई है, मम्मी के साथ एक रील बनाएंगे अभी थोड़ी देर से। हाँ मम्मी एक रील बनाओगे हमारे साथ? हाँ मम्मी के साथ रील बनाएंगे। गोटू पानी लेके आई है हमारे लिए, हमने पानी लेके आओ श्रेया, घोटू से भी बोली तो घोटू लेकर आई है हमारे लिए पानी, आधा आधा दोनों लेके आए हैं। सोचती है कभी कभी बच्चे की दीवार में तो लगा था हमारी मम्मी से जितना अच्छी साफ़ सी इज्जत वाली सी। वो सोचती होगी ये कौन है, डांस वांस करा देता वो ये सोचती है, बेइज्जती नहीं करा जैसे तुम्हारे हाथ करो तो वैसे यहां रील बना रहे थे, गोटू आके डांस करने लगी पीछे में। ₹200 पापा, बस बेटा बस। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।